साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टोर चैनल पर, और जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी का एग्जाम देने गए थे अपने अपने घर पहुंच चुके होंगे, या मैं उम्मीद करता हूं कि वह अच्छा से अपने यात्रा में होंगे। और आपसे बता दें, बेहद ही अच्छा रहा एग्जाम सभी अभ्यर्थी का, लेकिन क्या क्या उसमें परेशानी हुई संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। और इस चैनल के माध्यम से आप जानते हैं कि कट ऑफ जारी किया जाएगा, और कट ऑफ आप हमेशा देखते आए हैं कि सही होता है। इसका कारण ये होता है कि आप लोगों से जो सर्वे कराया जाता है वो ईमानदारी पूर्वक कराया जाता है, और आपसे मिला भी जाता है। बहुत सारा प्रक्रिया पर पहलू पर चर्चा करने के बाद, बहुत सारे शिक्षक लोगों से बातचीत करने के बाद, बहुत सारे अभ्यर्थी लोगों से बातचीत करने के बाद, तब ये कट ऑफ पर मैं पहुंचा हूं। उसमें क्या क्या मैं शामिल किया हूं, इस बात को आप जानेंगे, कैसे कट ऑफ निकाला गया है। फिर भी यदि किसी भी अभ्यर्थी को लगे कि नहीं, इसमें कुछ कमोबेश हो सकता है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपना अपना आंसर मिला लिए होंगे। और मिलाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपका कितना सही हो रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी निकलते हैं तो उस समय बोल रहे थे 105 सही आ रहा है, 110 सही आ रहा है, लेकिन जब घर जाते जाते क्या होता है, मैसेज आता है कि 90-95 पर आ गए। तो संपूर्ण जानकारी अब आपके पास हो चुका होगा, तो अब मिलाएंगे और यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, पहला क्या था, ई ऑप्शन। आप लोगों के मन में ये हमेशा चल रहा था कि क्या इस बार आएगा या नहीं आएगा, तो ई ऑप्शन तो आया ही, साथ में एक डी ऑप्शन भी मिला, वो भी ऐसा मिला जो आप नहीं विचार किए थे, आप नहीं उम्मीद में थे। अगला क्या था, एक निगेटिव डरा रहा था, दूसरा डी ऑप्शन भी बिस पर गया, तीसरा आपका ई ऑप्शन ज्यादा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन का जो लेवल था वह टॉप था, इस बात को आप जानते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी दिए गए थे। सबसे अच्छी बात ये तो रहा कि बिहार पर विशेष फोकस किया गया था, ज्योग्राफी से ज्यादा प्रश्न आ गए थे। हिस्ट्री को देखा जाए तो भी ठीक रहा, लेकिन जिस तरीका से आप उम्मीद कर सके जाते हैं, जो सोचते हैं, उस टाइप से प्रश्न नहीं आया। आगे आइएगा, यदि सीट की बात करेंगे तो सीट भी कम है, लेकिन साइंस का प्रश्न जब आप देखिएगा तब आपको लगेगा कि हाँ, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। और खासकर एनसीईआरटी पढ़ने में जो बॉक्स होता है, वहां से डायरेक्ट प्रश्न उठा दिए गए थे। जो भी प्रश्न था वह अच्छा प्रश्न था, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप यदि पढ़े होंगे तो जरूर बनाए होंगे। एनसीईआरटी 11 12th का क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया होगा। उपस्थिति की बात करेंगे तो 55 से 60% या 50 से 60% बहुत जगह देखा गया, तो एवरेज में 50 से 55 लेकर चल रहा हूं। तो यदि आप संख्या में बात करेंगे तो 2.5 लाख के करीब में अभ्यर्थी उपस्थित हुए। यदि आप प्रश्न की बात करेंगे तो मैक्सिमम अभ्यर्थी, मैक्सिमम कहने का अर्थ हुआ 80 से 90 बनाए, लेकिन कुछ परसेंट की बात करेंगे तो अभ्यर्थी 105, 110, 130 तक भी बनाए। ज्योग्राफी पर विशेष इस बार रीजनिंग भी आपको देखने को मिल गया, उसके बाद आपसे बिहार स्पेशल भी ठीक ठाक रहा। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे आपको कटअप दिए हैं, किस तरीका से, बेस क्या है, कैसे है, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। यदि आप किसी भी इसमें कहीं भी आपको लगे कि कुछ समस्या है या कुछ सुधार करने की जरूरत है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। मेरा प्रयास होता है, एग्जाम टूर चैनल आपका चैनल है, तो एग्जाम टूर का प्रयास होता है कि 100% सही लाया जाए। फिर भी यदि आपको कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। यदि आप जनरल से आते हैं, जनरल में, तो आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, 87 से लेकर 92 के बीच में आप हैं तो ठीक है। यदि महिला है तो 83 से लेकर 87 के बीच में आप ठीक है। यदि EWS से आते हैं तो 80 से 85 कट ऑफ जा सकता है। यदि EWS में महिला है तो 78 से आपका 82 कट ऑफ जा सकता है। यदि OBC में आते हैं तो आपका 82 से 85 के बीच में जा सकता है कट ऑफ। यदि OBC में महिला है तो आपका कट ऑफ 78 से 82 के पास, यानी EWS महिला के पास रहेगा। यदि EBC से आप आते हैं तो 77 से लेकर 80 के बीच, यदि आप प्रश्न सही किए हैं निगेटिव काट छाट कर, तो आपका रिजल्ट बन सकता है। यदि आप महिला हैं तो 72 से 73, 74, 75 है तो आप ठीक है। यदि SC में आते हैं तो 71 से 74 के बीच में आप है तो ठीक है। यदि महिला है SC में तो 68 से लेकर 70 के बीच में आप है तो ठीक है। यदि ST की बात करेंगे तो 72 से लेकर 74 के बीच में है तो आपका पोजीशन ठीक है। यदि महिला है तो 70 से लेकर 72 आपका आ रहा है, फिर भी आप ठीक है। OH में तीन कैटेगरी होते हैं। OH की बात करेंगे तो 65+ है, 70+ है, तो आपका सही है। क्योंकि आपसे मैं एनालिसिस जरूर करूंगा, आप देखिएगा, बहुत सारा वीडियो भी डाला गया है एग्जाम टूर पर, आप मिला सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या कहां गलती किए, ये आप सोचते होंगे कि इतना कम कैसे जाएगा, तो आप जरूर अपना अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि फ्रीडम फाइटर से है तो 70 आप बनाए हैं
तो आपका रिजल्ट बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप अभ्यर्थी। ये सभी अभ्यर्थी से, मैं मैक्सिमम अभ्यर्थी से बातचीत करने के बाद, बहुत सारे शिक्षक लोगों से बातचीत करने के बाद, सभी से मिलने के बाद, तब इस समय आपका कट ऑफ जारी किया जा रहा है। ये नहीं कि तुरंत मैं आया, एग्जाम बीता और आप लोगों के बीच क्वेश्चन देखकर तुरंत कट ऑफ जारी कर दिया, ऐसा नहीं। इसमें बहुत पहलू होता है, संपूर्ण पहलू पर चर्चा करने के बाद यही लग रहा है, यदि एक दो अंक, एक दो प्रश्न यदि बहुत सारा दिक्कत हो सकता है तो दो तीन अंक बढ़ सकता है सभी में, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आएगा। यानी कि जनरल आप हैं, यदि 95 सही कर रहे हैं तो आप कंफर्म रहिए, यदि आप आरक्षित कोटा में हैं, यदि आपका 90+ सही आ रहा है तो आप कंफर्म रहे। लेकिन मैं फिर लेकिन क्यों कर रहा हूं, आप कितना अभी तक मिला है, चूंकि वहां आप निकलते हैं तो कुछ और बताते हैं, एक दिन दो दिन दो घंटा बीतता है तो घटने लगता है आपका, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे। चूंकि बिहार में जितने भी अभ्यर्थी होते हैं बीपीएससी के साथ साथ बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो रेलवे हो जाए, एसएससी हो जाए, अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनको लगातार ये अनुभव होता है कि जो 10 यदि निगेटिव ले रहे हैं तो उसमें 5-6 उनका सही हो जाता है। तो निगेटिव बहुत सारे अभ्यर्थी लोगों को डराया नहीं, लेकिन जो पहली बार एग्जाम दे रहे थे उन अभ्यर्थी को निगेटिव डराया। जो पहली बार एग्जाम दे रहे थे जिनका 55 मार्क बन रहा था, जिनसे 40 बन रहा था, जिनसे 30 बन रहा था, वह सब क्वेश्चन बना दिए हैं, तो उनका काट छाट कर बराबर हो जाएगा, उनसे कोई लाभ नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि यही कट ऑफ रहेगा। और फिर अभी तक जो सूचना मिला है उसके अनुसार अच्छा से एग्जाम हुआ। बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहां पे बहुत क्या मैक्सिमम सेंटर जो कि 11 बजे के बाद नहीं जाने दिया गया, लेकिन कुछ कुछ सेंटर पर जो थोड़ा सा वहां के लोग समझदार थे या जो भी परिस्थिति हो 11 बजे के बाद भी जाने दिए, ऐसे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा से एग्जाम बीता है, सभी अभ्यर्थी अपना अपना विचार, अपना अपना सही मार्क्स जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि एग्जाम टूर का काम आपको अच्छा लगे, एग्जाम टूर का प्रयास आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।